दोस्तों, कहानी का नाम है दूसरी शादी भाग 3। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दीपा ने यह कठिन फैसला ले तो लिया था, लेकिन कनक को दोबारा शादी के लिए राजी करना टेढ़ी खीर थी। पहले विवाह से कनक को इतने दंश मिले थे कि विवाह के नाम से उसकी रूह कांप उठती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में अच्छा जीवन साथी लिखा ही नहीं है। लेकिन दीपा ने भी ठान लिया था कि वो अपनी दीदी की जिंदगी में खुशियां वापस लाकर रहेगी। कुछ दिनों के बाद दीपा के पास तरुण का फोन आया और उसने कहा, जानती हो दीपा, हमारी सगाई में मेरे दोस्त सूरज ने जब से तुम्हारी दीदी को देखा है, तब से वो दिन रात उसे ही याद करता रहता है। उसने अपने दिल की बात मुझे बताई और यह भी बताया है कि कनक उसे बहुत भा गई है और वह उससे बातचीत करना चाहता है। दीपा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? तरुण ने कहा, तो मैंने कनक के पिछले जिंदगी के बारे में उसे सारी सच्चाई बता दी। दीपा ने उत्सुकता से पूछा, फिर? तरुण ने कहा, फिर क्या, मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा इंसान थोड़ी ना है। उसने सच्चे मन से तुम्हारी दीदी को पसंद किया है। वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारी दीदी से बात करना चाहता है, और उसे तो तुम्हारी दीदी की सादगी इतनी भा गई है कि वो उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह उनकी रजामंदी भी जानना चाहता है। तरुण की बात सुनकर दीपा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह दीदी के लिए कहां से एक अच्छा लड़का ढूंढ कर लाए। दीपा तरुण के साथ मिलकर सूरज और कनक को पास लाने की कोशिश करने लगी। अब जब भी कनक और दीपा शादी की शॉपिंग के लिए बाहर निकलते, तब तरुण भी सूरज के साथ शॉपिंग पर आ जाता। धीरे धीरे कनक और सूरज में बातचीत होने लगी और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। कनक को भी सूरज का साथ भाने लगा, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सूरज के मन में उसके लिए क्या भावना है। एक दिन चारों शॉपिंग करने के लिए मॉल गए। भूख लगने पर चारों रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में कनक और सूरज को एकांत देने के लिए तरुण और दीपा कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल गए और सूरज और कनक वहां अकेले रह गए। सूरज भी महसूस करने लगा था कि कनक उसे चाहने लगी है। उसने उचित मौका देखकर कनक के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। सूरज की बात सुनकर कनक की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई और उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह सूरज की आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस सफर पर हम कभी एक साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जिंदगी के अतीत में कितने सारे काले पन्ने जुड़े हुए हैं। सूरज ने हिम्मत करके कनक का हाथ मजबूती से थाम लिया और बोला, तुम वो सब बातें अब भूल जाओ, मुझे इन सब बातों के बारे में सब पता है। इसके बावजूद मैं तुम्हें बहुत पहले से ही चाहता हूँ। बस मुझे तुम्हारा फैसला जानना है कि क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहोगी। सूरज के स्पर्श से कनक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अचानक से इतना सब हो जाएगा, इसका तो उसे अंदाजा ही नहीं था। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। सूरज मायूस हो उठा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी कि कनक उसके प्यार को जरूर समझेगी। घर जाने के बाद दीपा ने कनक को खूब समझाया और कहा कि मुझे सूरज के भावनाओं के बारे में पहले से ही पता था। वह तो बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनाना चाहता था। और दीदी, आपके दिल में सूरज के लिए अगर प्यार है तो आगे बढ़कर आप खुशियों का दामन थाम लीजिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी यह मौका फिर कभी दे या ना दे। दीपा की बात सुनकर कनक सोच में पड़ गई। उसे सूरज की हर बात याद आने लगी, उसकी प्यार भरी निगाहें, हर बात में उसका ध्यान रखना, उसका प्रथम स्पर्श, उसकी हर एक याद आज उसे तड़पाने लगी थी। तभी सूरज का फोन आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। सूरज ने प्यार से पूछा, तो बताओ क्या फैसला लिया तुमने? क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहोगी? क्या तुम जिंदगी के सफर में मेरी हमसफर बनोगी? कनक ने कांपते होठों से कहा, हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। उसका जवाब सुनकर सूरज तो खुशी से झूम उठा। कनक भी भावुक हो गई और उसकी आंखों में खुशियों के आंसू छलक पड़े।
एक महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में संपन्न हुआ। दीपा खुश थी, आखिर आज उसने अपनी दीदी की जिंदगी खुशियों से भरी ही दी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी यह रचना पसंद आई होगी।